अस्सलाम वालेकुम, मैं अल मदनी उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल का मुख्याध्यापक। आज जो है हम लोग हरसुल बेरीबाग हरसुल से जो है ये रैली निकाल रहे, क्योंकि ये हमको ऑर्डर मिला था 1 तारीख से लेके 9 तारीख के अंदर 3 रैलियाँ निकालनी है। तो आज हमारी जो है ये 3री रैली है बेरीबाग से निकाली जा रही, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद होने जो है 75 साल हो चुके हैं। अभी आज ये जो है हम 75वां साल मना रहे हैं, तो इसके लिए जो है ये रैली निकाली जा रही, और हर घर तिरंगा ये जो है इसका प्रचार करना है, ताकि हमारा देश जो है उसकी जो खूबसूरती जाहिर हो, और उसी के साथ जो है हर घर जो है एक पेड़ घर पेड़ लगाना है। तो उसके लिए जो है उसका जो इंतज़ाम किया जा रहा है, लोगों को जो है इसकी मालूमात दी जा रही है। अच्छा, रैली आप कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हैं? हम ये हरसुल बेरीबाग से निकाल के इसको जो है हरसुल गाँव में लेके जाएंगे, फातिमा नगर, उमर कॉलोनी, इकबाल नगर, वहाँ से जो है बच्चों को जो है वहाँ से उस एरिया में ले जाके और वहाँ से घुमा के फिर हमारे जो है वापस स्कूल पे आएंगे। तो आज के दिन रैली है कि और भी आपने कार्यक्रम रखे हुए स्कूल में? 15 अगस्त ये 15 अगस्त के दिन जो रहेगा, आज जो ये रैली हमारी 3री रैली है, और इसके बाद जो रहेगा 15 अगस्त की एक रैली निकाली जाती, उसके अंदर भी जो है हम वृक्षारोपण का जो है ये संदेश जो है लोगों को पहुंचाएंगे, ताकि सब लोग जो है इसमें शामिल हो सके। ये हमारे आज़ादी का जो है 75वां साल मनाया जा रहा है। यस। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख नाजी अंजुम अल मदनी उर्दू प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ।
और आज के दिन 8 अगस्त को हम अलमदनी उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया है, जिसके अंदर हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जिसके अंदर हम बच्चों को शजरकारी की मुहिम भी साथ में चला रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बच्चे पीछे अलग बच्चे हर जोश व खरोश के साथ रैली में हिस्सा लिया है, और तब कुछ बच्चे लीडर्स बनकर भी आए हैं जो फ्रीडम फाइटर्स हैं इंडिया के, जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, सावित्री बाई फुले है, बीबी हजरत महल है वगैरह, इस तरह के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा हम हर घर घर झंडा लहराएंगे, ये मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री की इस मुहिम को हम मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, और हर घर एक पौधा लगाएंगे, इसकी ये मुहिम भी साथ में चलाई जा रही है। इसी के साथ साथ देखते हैं कि किस तरह से 15 अगस्त से 12 के दरमियान 15 अगस्त तक 1 लाख झाड़ हमें लगाने हैं, उस मुहिम की खातिर हमें काम कर रहे हैं। ठीक। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।